समय मैं लखनऊ में मन कामेश्वर मंदिर के बाहर मौजूद हूं और मैं आपको अपने दर्शकों को यहां की तस्वीरें दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, यहां पे लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहां पर लगी हैं भक्तों की, क्योंकि सभी जो भक्त हैं वो भोले के दर्शन करना चाहते हैं। और जैसा कहा जाता है कि जलाभिषेक यहाँ पर किया जाता है और दूध से स्नान और घी से स्नान करवाया जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि आज जो बादल है वो भी भोले का जो जलाभिषेक करने के लिए आ चुके हैं। और बस इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है और सावन के महीने का आज दूसरा सोमवार, और हम आपको जरा पहले तस्वीरें दिखाएं क्योंकि लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि दूर दूर से भक्त श्रद्धालु। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, अपने भगवान शिव से मिलने के लिए आ रहे हैं, शिव की आराधना करने के लिए आ रहे हैं। और सावन का महीना, वो महीना जिसका इंतजार हर शिव भक्त करता है कि कब वो आएगा, जल अभिषेक करेगा अपने शिव से, अपने भोले भंडारी से वो बातें करेगा जो वो लंबे समय से करना चाहता है, वो मन की बात, वो मना कामना, वो श्रद्धा का भाव उनको दिखाएगा, समर्पण का भाव उनको दिखाएगा जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्तों की कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और चूंकि सुबह 4 बजे से ही जो मंदिर की आरती का समय है वो होता है, और उसी के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आसपास के जो श्रद्धालु उनके साथ ही दूर दराज के जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। और देखिए किस तरीके से सावन के महीने के बारे में जिस तरीके से जिक्र किया जाता है कि सावन का महीना, इसका अपना एक महत्व है। और उठे कारे बद्रा, जिस तरीके से बात की जाती है, तो बाहर आप देखेंगे काले बादल हैं, बारिश होने वाली है, लेकिन भक्तों को कहां बारिश की चिंता है, कहां किसी परेशानी की चिंता है, क्योंकि परेशानी तो भगवान शिव, भगवान भोले भंडारी स्वयं दूर करेंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर हम आपको TV9 भारतवर्ष के माध्यम से भगवान शिव के दूधेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन करा रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो भक्त यहां पर दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं वो हमारे TV9 भारतवर्ष के माध्यम से दर्शन कर लें। और चूंकि 2 साल से ज्यादा समय हो गया था कोरोना की वजह से, तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे, तमाम नियम कायदे बनाए गए थे, जिसकी वजह से जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे थे, लेकिन 2 साल बाद इस तरीके से जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर का रुख कर रहे हैं भगवान शिव से मिलने के लिए। और आपको बता दिया जाए कि आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है, और ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर से। जतिन स्टैंड बाय।
क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।